चक्षुर्मिदं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्वत्तये नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रभु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज व नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के हृदय कमल चरण कमलों में मैं अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्मानुभक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति रख श्रीधर गुरी गोस्वामी महाराज एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाल माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं
प्रेम संपुट के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। श्लोक नंबर याद है? सेवेंटी फोर में आएगा ना, जत्ती तस्मिन महा दिवसाती युवराती में सब प्यारी न प्राणवायु रूपी संचेत ससाप प्रेम प्रदीप प्रदीप वर इत्यति दीप्तेति मेव स्नेह न तो चतुरान चिरमाचिरचकाय। तात्पर्य यह हम लोग श्रवण किया था, प्रिय प्रियजन के हृदय में जो प्रेम रूपी दीपक, दीपक माने लैंप जो विराजमान होती है, उसके द्वारा ही दोनों दिनों की हृदय के जो है वो अपने आप दर्शन करते हैं, देखते हैं। और दोनों के हृदय को अपने आप उजाला कर देती है, प्रिय प्रियजन की हृदय एक दूसरे के साथ ऐसे एक भाव के द्वारा बंधन होते हैं, जो भाव बंधनों जिस भाव के द्वारा एक दूसरे के हृदय को बंधन होता है, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम कभी ध्वंसीभूत नहीं होते। जैसे हम लोग काल श्रवण, इस पहले हम लोग श्रवण किया, इस जगत में जितने प्रकार की प्रेम है वो समस्त क्या है, साध इसका सार्थ युक्त प्रेम का है, सार्थ रहता है, सार्थ सेल्फिशनेस सार्थ रहते कि नहीं रहता है, अपने जब स्वार्थ नष्ट हो जाता है तो प्रेम धीरे 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 वो भी नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे शरीर परिवर्तन होने के साथ ही साथ वो प्रेम भी नष्ट हो जाता है, है कि जब तक हम शरीर में है, आत्मा शरीर में है, तब हम एक दूसरे के साथ प्रेम प्रीति आदि करते हैं, किंतु हम शरीर जब छोड़ देते हैं वो सब चले जाते हैं संसार, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जन्म लेते हैं, है आत्मा तो अजय अमर है, वो केवल शरीर परिवर्तन रहते हैं, है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, मन बुद्धि अहंकार चित्त इसे कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सटल बॉडी। और जो पांचभौतिक शरीर जो है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांचों तत्व के द्वारा जो शरीर गठित हुआ है उसके कहा जाता है ये स्थूल शरीर। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हर जीवन में मनुष्य इस स्थूल शरीर को त्याग देते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर जो है वो छोड़ नहीं देते हैं। वो जन्मांतर की संस्कार लेकर के वो सूक्ष्म शरीर चलता रहता है, जैसे हमारे मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। नए शरीर के साथ ही चलेगा,
चलेगा साथ नहीं चलेगा, वही तो संस्कार रहेगा ना, संस्कार तो वही रहेगा। संस्कार किस में पड़ता है? हमारे स्थूल शरीर में नहीं पड़ता है। संस्कार किस में पड़ता है? मन बुद्धि अहंकार चित्त, उसमें तो संस्कार इम्प्रेशन पड़े, इम्प्रेस पड़ता है, और उसी के अनुसार ही तो जीव शरीर धारण आदि करते हैं, उसी के अनुसार जीव पूर्व जन्म के कर्म आदि भोगते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कर्मणा गहना गति, गीता में भगवान भी कहते हैं हे अर्जुन, जीवों के जो कर्म जो है वो गति यानी उसके जड़ जो है कहाँ है कौन पता लगा सकते हैं। एक पेड़ के जड़ मिट्टी के कितने नीचे तक चले जाते हैं कौन पता लगाए, आप बताओ है? और भी ना जानी कितने उसकी जड़ों की कितने शाखा प्रशाखा होकर चले जाते हैं, मान उपजड़ जिसको कहा जाता है, हजारों जो है जड़ वो चले जाते हैं, उस मिट्टी के पकड़ करके रखते हैं, जैसे पेड़ से ना एक हवा से ना गिर जाए, पेड़ के दो जड़ के दो के, पेड़ के जो जड़ है उसके दो कारण होता है, कोई हवा में वो गिर ना जाए इसलिए वो सारी तरफ अपने जाल फैला करके मिट्टी के जो है पकड़ के रखते हैं, और दूसरी जो है उस जड़ के द्वारा वो अपने भोजन संग्रह आदि करते हैं, ठीक है। किंतु उसके जड़ कहाँ पर चले जाते हैं, मूल जड़ कौन सा है, कभी कभी निर्णय लेना भी संभव नहीं होता है, कौन जड़ कहाँ 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 चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवों की जो है स्थूल शरीर तो हम त्याग देते हैं कर्म के अनुसार है, किंतु वो सूक्ष्म शरीर जो है मानो पेड़ के जड़ के भांति वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं। वो जड़ क्या है? ये आसक्ति, इसको हमने पहले समझ है, वही आसक्ति ही संस्कार के रूप में आकर के फिर नया शरीर हम प्राप्त करते हैं। जैसे भरत महाराज भजन करने के लिए गए, युवा काल में अपने राज्य को त्याग दे करके जंगल में गए, क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। देखो ये हिरण शिशु के प्रति आसक्ति होने से उनके क्या हो गया? हिरण जन्म हो गया। फिर आसक्ति से क्या है, अनुलोम प्रतिलोम होकर क्या हुआ? विरक्ति हो गया। आसक्ति से वृत्ति कब हुई? किंतु उसके पूर्वजन की कथा के स्मरण रहा, ये हाय हाय कहाँ मैं भजन करने के लिए गए और छोटा ये हिरण शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते मेरा तीन जन्म बेकार हो गया। तब क्या हुआ उनका? तब उनके आसक्ति से वो वृत्ति हो गया ना, बस बोले इस आज से मैं है बिल्कुल कैसे रहेंगे, मौन धारण करेंगे, है जिसको लोग उसके जड़ भरत कहने लगे, जिस कथा भागवत में वर्णन है। देखो एक जन्म हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते, दूसरे जन्म में उसके हिरण जन्म लेना पड़ा, और तीसरी जन्म में क्या हो गया? जड़ भरत जिसको कहा गया, तो तीन जन्म उसके बिकार गए कि नहीं है। तो उसी प्रकार जो है मेरे कहने की तात्पर्य यह है कि इस जगत में उसी प्रकार अपराजित जो प्रेम जो हम के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, प्रेम भी प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में वो एक संस्कार व इम्प्रेशन लेकर के चलते हैं। इस जगत में जड़ और उस जगत में अपराजित चिन्मय, इतना ही अंतर है बस, समझ में भगवान साहब है। इस जगत में जो प्रेम प्रीति जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसको कहा जाता है माइक, कहा जाता है मेटेरियल, और उस जगत में जो कुछ भी है वो सब स्पिरिचुअल अपराकृत है, यही इतना अंतर दिखाते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं राधा जी
स्वयं कृष्ण के जो कार्य हैं, देवांगना के कार्य हम जिस कथा श्रवण कर रहे हैं, ये महाविरह दुख रूप अंधकार में प्राण वायु भी संचरित होकर संचरित होने में समर्थ नहीं होती, किंतु उस समय प्रगाढ़ प्रेम रूपी प्रदीप अत्यंत उज्ज्वल हो उठता है और प्रचुर स्नेह रूप तैल रहने के कारण दीर्घकाल तक प्रकाशित रहता है। जिस कथा प्रसंग आज प्रातःकाल में मैंने आप लोग के श्रवण किया था, श्रवण कराया था, ये राधा और कृष्ण के हृदय में दो प्रदीप दीपक जल रही है और उसमें तेल क्या है, क्या बताया था, स्नेह, एक दूसरे के प्रति जो है ऐसे स्नेह भाव के द्वारा बंधन है, वो स्नेह रूपी मानो तेल है। दीपक जलाओ, दीपक कब तक जलेगी, जब तक तेल है, किंतु देखो अपराग्ध चित जगत में वो तेल कभी समाप्त नहीं होगा। इस जगत में यदि दो प्रदीप को रखा जाए, कभी नहीं कभी तो तेल समाप्त हो जाएगा, और तेल समाप्त होने से वो दीपक बुझ जाएगा, है कि नहीं। वो ट्रांसेंडेंट स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल जगत जो है, वो स्पिरिचुअल जगत में वो प्रेम जो है कभी समाप्त नहीं होते, इतना ही तो आपके समझना पड़ेगा, है और कुछ नहीं। प्रेम जगत उस जगत में जगत प्रेम जहाँ पर अपरागित दिव्य भाव रहता रहता है, इसलिए संग राधा जी कह रही हैं, हे देवांगना जी, हम दोनों में अर्थात राधा कृष्ण की प्रेम रूपी दीपक वो कभी समाप्त नहीं होते। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के विरह दुख में ब्रजसुंदरियों की प्राण किसी प्रकार से रह नहीं पाते, किंतु केवल मात्र अत्यधिक स्नेह रहने के कारण ही उसमें प्रेम और प्रबल आकार धारण कर लेता है, इसलिए उसके प्राण कभी निकलता नहीं। जैसे मैंने आज भी सुबह वर्णन कर दिया था क्योंकि उस जगत में प्रेम की विरह जो है वो सहन करना इतने सहज नहीं है, बहुत कठिन है, किंतु तथापि कैसे सहन करती है ना, एक दूसरे के साथ प्रबल स्नेह होने के नाते। जैसे रामायण में भी उदाहरण दिया था, कई बार मैंने इसी कथा को बार बार आप लोग के स्मरण कराता हूँ, है क्या श्लोक है, नाम पहारु दिवस निशि धैन तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट, है ना तुलसी कृत रामचरित मानस में। हनुमान जी जब लंका से सीता देवी के माँ जाने के समाचार लेकर के जब पहुँचे, सब बंदर आदि जो है सब आनंद में जय हनुमान जी जय बजरंग बली की जय, बजरंग बली के जय दे रहे हैं। भगवान रामचंद्र अंदर में बैठे थे सुग्रीव के साथ, भगवान रामचंद्र बोले सुग्रीव ये सारे बंदर तो मेरा ही जय देते हैं, जय राम करके, आज हनुमान के जय किसने दे रहे हैं। अरे सुग्रीव विचक्षण है, सुग्रीव कहने लगे प्रभु ये जरूर महाबली है पवन सुत, ये माँ जानकी यानी सीता जी के समाचार लेकर के आए हैं, इसलिए सभी बंदर जो है अत्यंत आनंद उल्लास से हनुमान के जय दे रहे हैं, बोलो बजरंग बली की जय। अच्छा थोड़ी बात, जब हनुमान जी जब रामचंद्र के कक्ष में जब आए, मन टेंट में जब आए, रामचंद्र हनुमान जी के पूछा, हनुमान तुम क्या समाचार लेकर के आए। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं साक्षात रूप में माँ जानकी के साथ मिलकर के ही नहीं आ रहा हूं। उस समय भगवान रामचंद्र ने प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा,
क्या तुम्हें मेरे पत्नी सीता देवी के जो है मृत शरीर को देख करके आया कि जीवित शरीर को देख करके आया, ये बात मुझे पता मिल करके तो है। जैसे किसी के घर में मौत हो जाता है किसी के, तब लोग उनके मित्र लोग जाते हैं देखने के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। हैं नहीं, देखना तो है, मिलना मतलब कि बातचीत करना नहीं। वो हम तो देख करके परिवार जन से मिल करके आते हैं, परिवार भाई जो करते हैं। तो भगवान रामचंद्र मानो इसी प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। तो इस कथा के सुन करके हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप ऐसे शब्द क्यों कहा, ये सीता देवी के शरीर डेड से मृत शरीर है कि जीवंत शरीर है, ऐसे शब्द क्यों पूछा। हनुमान जी कम नहीं है, वो भी बुद्धिमान है। तो अब उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो हनुमान, जब मैं अयोध्या छोड़ करके जब मैं जंगल की तरफ चले अर्थात रामचंद्र के वनवास 14 साल के लिए, मेरे विरह में मेरे पिताजी सहन कर शरीर को सहन नहीं सके, रक्षा कर नहीं पाए, हराम हराम करके शरीर को छोड़ दिया, दिया कि नहीं दिया आप बताओ। ये पितृस्नेह भगवान एक भक्त बोले, मेरे पिता सहन कर नहीं पाया है मेरे विरह प्रति, मेरे प्रति जो विरह जो है वो विरह संताप कष्ट सहन कर नहीं पाया, और मेरे पत्नी सीता देवी मेरे विरह में कैसे शरीर धारण कर रही है ये तुम बताओ मुझे, उसके प्राण वायु सीता देवी के हृदय में कैसे रहा, कैसे रही ये मुझे बताओ, ये तो मैं सुनना चाहता हूँ। तब उसमें हनुमान जी ये यही कथा सुनाया है, क्या सुनाया बोलो, बोला आप बोलो क्या बोला था। हाँ निज पत लोचन जंत्रित प्राण कहीं जो पाठ, क्या अर्थ है बताओ भाई बकरी साहब, रामायण पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये नजर में नहीं आएगा, आज रात को नजर में ही ले लो, ये आज इसके जा करके देखो रामायण। हाँ हाँ रामचरित मानस में ही लिखा, नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। देखना जी तात्पर्य क्या है, हनुमान जी कह रहे हे प्रभु भगवान रामचंद्र, जो आप जो बोल रहे हैं ये सत्य है, माँ जानकी आपके विरह में अपने प्राण को जो शरीर में रख नहीं पाते, छोड़ना चाहती है वो है, अथवा उनकी प्राण वायु उनके शरीर से निकलना चाहती है, ये सत्य है, किंतु जाएंगे कहाँ, जाने के रास्ता ही है ही नहीं, कहीं नहीं बात, बोले क्यों, कहते हैं नाम अपहार, आपके जो दो जो दो अक्षर जुटे हुए नाम है रा और म, माने ये दोनों क्या हो गया, दरपाल हो गया, गेट के बाहर खड़े हुए हैं, अर्थात सीता जी सदा सर्वदा मन ही मन आपकी नाम ही कीर्तन कर रहे हैं, नाम अपहारु दिवस निशी और ध्यान तुम्हारा कपाट, और केवल नाम नहीं कर रही है और आपकी सदा सर्वदा वे क्या कर रही है, ध्यान कर रही है, मेडिटेट मेडिटेशन जो बात है वो क्या है, माने वो फटक लग गया, ट्रेन जब आती है आने के 5 मिनट पहले ही फटक लगा देते हैं कि नहीं, दर्जा बंद कर दो, कहीं कोई लोग मोटरसाइकिल लेकर के जाए, ये नहीं जाए, लोग नहीं जाते, यह भी नहीं है जिकर, नाम अपहारू दबस दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्री था, जंत्री मैंने ताला लगा दिया, बोले स्वयं सीता देवी जो ध्यान किस में है,
केवल आपके ही चरण कमल को छोड़ करके और किसी में ही उनके मन लगता नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है। इसी कहते हैं निज पद लोचना जंत्रित, जंत्री शब्द के अर्थ होता है ताला लगा हुआ है, तो उनके प्राण वायु जाने के कहीं बाट बाट माने रास्ता ही है। ये श्लोक अतीब जरूरी है, नाम पहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। है कितना सुंदर, ठीक उसी प्रकार यहीं पर भी आ रही है ये राधा कृष्ण की प्रेम हृदय में जो प्रेम रूपी जो दीपक है वो ऐसे जल रही है, एक दूसरे के हृदय को अपने आप वो प्रकाशित करते जा रहे हैं। और वो दीपक में क्या है, तेल कहा गया, तैल कहा रही है पर वो तैल क्या है, एक दूसरे के प्रति जो प्रबल जो स्नेह है आसन, वो स्नेह बंधन के द्वारा ही वो तेल मानो सदा सर्वदा चलते जा रहे हैं। इस जगत में संभव नहीं है, एक दिन है एक दिन जिसको हम स्नेह करें प्रीति करें एक दिन हम छोड़ करके चले जाएंगे, पिता कहें माता कहें भाई कहें बंधु कहें जो भी कहें हम संसार में एक दिन है एक दिन सब छोड़ करके जाना पड़े, जाना तुझको ना क्या बोलते हैं, हाँ जाना तुझको पड़े अकेला भजले हरि का नाम दे कृष्ण नाम तू भजले मनुआ ए भव सागर हर जाएगा, जाना तुझको पड़े अकेला, कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। यद्यपि सुनने में थोड़ा बहुत कड़वा लगता है, हैं लगता है कि नहीं होता है, करेला के भांति थोड़ा कठोर भाग कड़वा लगता है, तीता लगता है, हैं करेला खाए कि नहीं, कैसे लगते, कितना मीठा होता है बकील साहब, कड़वा होता है किंतु ये शब्द कड़वा है किंतु सत्य ही है, सभी देख रहे हैं। जाना तुझको पड़े अकेला भजले हरि का नाम ले कृष्ण नाम तू भजले मनुआ ये भव सागर तर जाए, साथ में तुम्हारे कोई नहीं जाएगा है, यही तो वास्तव सत्य है, यही वास्तव सत्य को हम सुनना नहीं चाहते। जो वास्तव सत्य है उसका हम सुनना नहीं चाहते, रियलिटी यही है। आज कहे काल कहे परसों कहे सौ साल के बाद तो जाना ही पड़े, अद्दवा शताब्दी शतांते मृत्यु ध्रुवम, आज हो काल हो परसों अथवा सौ साल के बाद हमें जाना पड़ेगा, किंतु कब जाना पड़ेगा कौन जाने है, काल चक्र किसके ऊपर कब घूम रहे हैं और किसके सिर पर कब आ जाए कौन जाने है, वास्तविक सत्य कि नहीं है। इसी की कहा जाता किम आश्चर्यम, संसार में सबसे आश्चर्य वस्तु क्या है, व्हाट इज द वंडरफुल थिंग्स, बोले यही वंडरफुल थिंग है। हर रोज हम देख रहे हैं कितने लोग मर रहा है, शरीर छोड़ कर जा रहे हैं, तथापि मैं सोचता रहता हूँ जे मैं मरेंगे, हाँ मरेंगे आज नहीं मैं भी कम से कम सौ साल के बाद, किंतु कोई गारंटी नहीं है, कब किसके प्राण वायु कब छूट जाए कौन कह सकता है। चलिए हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं कि जो अपराध चित जगत में है, इसलिए संग राधा जी कह रही हैं जे ब्रजसुंदरियों की प्राण किसी भी प्रकार से यद्यपि रह नहीं पाते हैं किंतु केवल मात्र अत्यधिक स्नेह रहने के कारण ही उस समय प्रेम और प्रबल आकार धारण कर लेता है, इसलिए उनके प्रेम उसके प्राण नहीं निकालते हैं है। गोपियाँ भी विरह में अपने प्राण को छोड़ना चाहती हैं किंतु उस दिन में अंत उनके हृदय में क्या है, ये तैल रूपी स्नेह बना हुआ है,
है। सेवेंटी फोर में का श्लोक में कह रहे हैं, रात में श्री कृष्ण के समस्त ब्रज, रात में श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों की परित्याग करके केवल मेरे साथ विहार किया था, इसके बाद पुनः जो उन्होंने मुझे भी परित्याग कर दिया था उसका कारण ही सुनो। यह पर ये भी कहते जा रहे हैं, देवांगना कह रही है, माने कृष्ण कह रहे हैं देखो कृष्ण कैसे धूर्त है, कपट है, छल है, और रास में समस्त गोपियों के साथ तो विहार किया है, और फिर मैं मानवती होने के नाते कृष्ण ने किया कि रास से अंतर्ध्यान हो गए और मुझे भी लेकर के जमुना के तट पर सिंगारवट में हमारे साथ प्रेम विहार किया। अच्छा, किंतु इसके बाद वे क्या की, मुझे भी छोड़ करके है वो भी अकेले चले गए, अर्थात मुझे प्रेम समुद्र में मुझे डुबाया है। इस प्रेम के समुद्र में ब्रजनंदन मुझे भी सर्वाधिक प्रियतमा मानते हैं, इससे उनका कोई भी अपराध नहीं है। ये कृष्ण क्यों मुझे छोड़ करके चले गए, जिसके साथ कृष्ण रास विहार की गोपियों के साथ, इसके पश्चात कुछ गोपियों की क्या हुई, सौभाग्य मत हुई, जिसे कहते हैं सौभाग्य मत। सब गोपियां सोचने लगी आहा कृष्ण कैसे केवल अकेली मेरे साथ ही विहार नित्य आदि कर रहे हैं, इसलिए वो समस्त गोपियों के क्या हुई, सौभाग्य मत है। और श्रीमती राधिका की क्या देखा, क्या ये कृष्ण कैसे छल कपट है, मुझे कहते हैं राधे तुम हमारे सबसे प्रियतमा हो, आज देखो सबके साथ वो विहार कर रहे हैं, ऐसे करते हुए श्रीमती राधिका मान कर ली, और श्रीमती राधिका मान करके खड़ी हो गई, नित्य नहीं किया। तब कृष्ण ने देखा जो राधा जी नित्य नहीं कर रही है, राधा जी प्रसन्न नहीं है, इसलिए कृष्ण ने किया कि राधा जी के बल बलात्पूर्वक लेकर के तत्राधि अंतर्दियते केशवम, उस प्रकार रसिक शेखर कृष्ण समस्त गोपियों की उपेक्षा करके, उपेक्षा नेग्लेक्ट करके राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सारे गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पने लगे, और इधर कृष्ण गोपी श्रीमती राधा के लेकर के जमुना तट में सिंगारवट में प्रेम विहार आदि करने लगे। और फिर कुछ समय के बाद वह समस्त गोपियां कृष्ण के खोजते खोजते जब सिंगारवट की निकट आ गए, राधा जी विचार करने लगे देखो ये समस्त गोपियां मेरे लिए समर्पित आत्मा है, वो गोपियां सोच रही है, ये कृष्ण राधा जी सोच रही है, और मैं कृष्ण के साथ आनंद उत्सव प्रेम विहार कर रही हूँ, और हमारी ये समस्त सुखिया कृष्ण विरह में तड़प रही है, ये उचित नहीं है। इसलिए श्रीमती राधिका जान बूझ करके कृष्ण के कहने लगे न चली तुम, अर्थात कृष्ण कहने लगे हे श्रीमती राधिके इस स्थान को छोड़ करके हम अन्यत्र चले जाएं, क्योंकि वो गोपियाँ आकर के यदि देखे ये मैं आपके साथ प्रेम विहार कर रहा हूँ तो वो समस्त गोपियाँ आपके प्रति ईर्ष्या करेंगी, और इसके लिए आगे रास करना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे विचार करके संत कृष्ण कहने लगे हे राधे मेरे साथ चलो, दूसरे स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले। और राधा जी उस समय कहने लगे ना चली तुम, हम ना नहीं जा सकते है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं चल नहीं पाता। तो कृष्ण कहने लगे काम करो, मेरे काम पर बैठो, मैं तुमको लेकर के जाते हूँ। तो कृष्ण ऐसे विचार करके अपने मानो गर्दन के नीचे झुकाया, और राधा जी कृष्ण के काम पर बैठने के जब प्रयास की तब उसी समय कृष्ण उस स्थान से
अंतर्ध्यान हो गए। तब उसमें श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में है रोने लगे, काशी काशी महाभूत दशस्त में, हे महाभूत कृष्ण आप कहाँ हो, मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए। उस समय राधा जी कृष्ण विरह में तड़पने लगी। और ठीक उसी समय चंद्रावली आदि गोपियां विपक्ष वाली वो लोग भी आकर के राधा जी के ऐसे विरह की देख करके उन लोग के हृदय में भी समवेदना प्रकाशित हुई। एक दूसरे के दुख देख करके अपने हृदय के जो भाव उद्गार करते प्रकाश करते कहे उसके कहा जाता है समवेदना, दुख हाय हाय। हम लोग जिस प्रकार कृष्ण विरह में तड़प रहे, राधा जी उसी प्रकार तो कृष्ण विरह में तड़प रहे। इसलिए बेरोक राधा जी के पास आई, संतना दी, ये सब अनेक कथा हुई। इसके पश्चात जो है सारी गोपियां जमुना के तट पर एकत्रित हुए और कृष्ण के विरह सूचक लीला आदि कीर्तन करने लगे, जिसको कहते हैं क्या, गोपगीत कहते हैं, जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शस्य अत्र हि दयित दीक्षतां दीक्षुता बका त्रिधिता सब त्वं विचिन्नते। गोपियाँ इसी प्रकार कृष्ण की जो है अत्यंत सुंदर प्रेमवाचक है लीला सूचक प्रेमवाचक कथाओं को जो है सुस्वर में ताल लय मान आदि देकर के रोते रोते कीर्तन आदि करने लगे। इसके पश्चात कृष्ण प्रकट हुए, तासंग आविर्भी सौरी स्मय मुखा, मुझे श्लोक भी कहा गया। इस प्रकार गोपियां कृष्ण की भी अपने अपने आसन दिया, क्या आसन दिया, अपने आंखों के वस्तु भीगा हुआ जो चुंदरी जो है कपड़ा जो है उसको भी आसन बना करके गोविंद के दिया। उन्हें ना जाने उसमें क्या कितने धूल और भीगा हुआ था, तब भी गोविंद उसमें विराजमान हुए बैठे। इसके पश्चात गोपियां कृष्ण के जो अनेक प्रश्न पूछा है, ये कथा तो हम बाद में बताएंगे, अब ये प्रसंग आ रहे हैं। जो यह पर राधा जी यह भी कह रही हैं, हे देवांगना, ये कृष्ण क्यों हम लोग के छोड़ करके क्यों चले गए थे, प्रेम रूपी दुख समुद्र में हम लोग के छोड़ करके क्यों गए। बोले इसके भी कारण है, ब्रजनंदन मुझे भी सर्वाधिक प्रियतमा मानते हैं, इससे हमें उनका कोई भी अपराध नहीं है। वास्तव में सत्य है ये कृष्ण की निष्ठा किस में है, एक निष्ठा, कृष्ण एक निष्ठा ही है, कृष्ण बहुनिष्ठापरायण नहीं है। ऊपर से दिखाते हैं जे वो बहुनिष्ठापरायण, समझ में आता है, वास्तव रूप में कृष्ण जो है एक निष्ठापरायण है। वो राधा जी कह रही है वो एक निष्ठा किस में है, ना केवल मुझ में ही है, केवल ये लीला विलास आदि प्रेम के उत्कर्ष आदि दिखाने के लिए दूसरे सखियों के पास वो चले जाती है। ये भी इस पर प्रेम की एक कला कहा जाता है, प्रेम की अनेक प्रकार अनुभव आदि के द्वारा ही प्रेम के समुद्र के माधुर्य के प्रकाश करते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र की सौंदर्य माधुर्य कब हम देखते हैं, जब वो समुद्र में अनेक जो है लहरियां जब उड़ते रहते हैं, समुद्र गर्जन करते हैं, समुद्र में जो वो पड़ते हैं क्या बोले भंवर पड़ते रहते हैं, विशेष करके अमावस्या और पूर्णिमा रात्रि में है, और यदि थोड़ा ये हो जाए बादल हो है, तब वो समुद्र की स्वरूप देखने में आपको इतना भयभीत होगा, आपके भय डर आएगा। एक तो समुद्र की जल स्फीत हो जाता है,
अमावस्या अथवा पूर्णिमा में समुद्र के जल ऊंचा होता है और बड़े बड़े लहरियाँ आती रहती हैं, और उसमें यदि बादल छा जाए है, काले बादल हो रात्रि में, और फिर उसी में यदि हवा यदि जोर से चले और भयंकर रूप धारण करते हैं समुद्र है, जैसे लगते हैं प्रलयकालीन आ रहे हैं आ समझे। कभी कभी यूट्यूब में आप देखा ना है, वो भी समुद्र के पास तो समुद्र के तट को कहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक भी जो समुद्र के चारी समुद्र के पास में जो वाल लगाता है, दीवार लगाते हैं, इसके बाद रोड होता है, वो बड़े बड़े दीवार के भी छलांग करके जल पानी इधर आ जाता है, तो भयंकर उदाहरण करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं ये हमारे प्राण प्रियतम वास्तव रूप में ये हमारे प्रेम के ही वो बढ़ाते रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं ब्रजनंदन मुझ में भी सर्वाधिक प्रियतमा मानते हैं, देखें एकनिष्ठ है मेरे पति है, और बहुनिष्ठ नहीं है वो है, केवल ये प्रेम को बढ़ाने के लिए वो दूसरी गोपियों के पास जाती है और कुछ कारण नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण के कभी लंपट मत कहो है, देखो एक हास परिहास में होता है अथवा विरह दशा में ये शब्द व्यवहार होता है, वो छूट है, कपट है, लंपट है, बाट अथवा हास परिहास में होता है, और जब स्वाभाविक रूप में होता है चित्त शांत होने के नाते कहते हैं हमारे प्राण प्रियतम को लंपट नहीं है, वो प्रेमिक है, प्रेमवान है वो है, वास्तव कृष्ण लंपट नहीं है। क्यों देवांगना कह रही है ये तो कृष्ण लंपट है, छल है, कपट है, इसके साथ प्रेम करना उचित नहीं है, किंतु राधा जी कह रहे हैं नहीं नहीं आप ऐसे शब्द मत कहा करो है, इसलिए कहते हैं वो मेरे प्रति जो है एक निष्ठा रखते हैं वो यथार्थ प्रेमिक है, इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। इसका कारण है कि कृष्ण ने मुझे अनुपम सौभाग्य रूप दिव्य रत्न सिंहासन पर बैठकर विविध प्रकार के विलास रूप आभूषण से भूषित करने के एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते करते रमन किया था, उस समय वे अन्य कंतक भी स्मृति पथ पर भी नहीं लाते। बोले कृष्ण राधा जी कह रहे हैं जो कृष्ण हमारे प्रति इतने प्रेम प्रति रखते हैं है, जब मेरे साथ जब भ्रमण आदि करते हैं कोई दूसरी सखी की वो चिंतन नहीं करते हैं। कभी कभी एक मैं एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ, देखो ब्रज की कथा अनेक है, ब्रज में रहने पर ब्रजवासी के साथ मिलने पर अनेक ब्रजवासी के अनेक प्रकार अनुभूति वो आप लोग के बताएंगे, कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तव होता है। यदि कोई शास्त्र में कहाँ है, सब वस्तु शास्त्र के द्वारा युक्ति के द्वारा प्रमाण नहीं दे सकते आप है, जिसे कहते हैं नांग आत्मा प्रवचन लभो न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वैसे विनती होते न लभो तसे साथ में विवृति तो नाम अनेक लीला कथा है जत है, तत्व सिद्धांत तो शास्त्र के द्वारा निर्णित होगा है, प्रमाणित होगा तत्व सिद्धांत, किंतु कई कई लीला ऐसे सुंदर है उसके आपके शास्त्र सब्जेक्ट में शास्त्र में नहीं मिलेगा है, किंतु एक वो सब क्या है अनुभव विद्य है, तो उसी प्रकार एक कथा मैं आप लोग को सुनाता हूँ। ब्रज में गोपियाँ एक गोप जो है रात में सोए हुए थे बाहर, कहाँ अपने घर की बाहर सोए थे कोठरी वाले, और अंदर में उनके पत्नी सो रही थी है। भाई कृष्ण ने कहा कि उस गोपियों के घर में प्रवेश किया,
और कृष्ण उस गोपियों के साथ बातचीत करने लगे। और इतने समय उनके पति के नींद टूट गया। इसलिए हमारी पत्नी के घर में ये कक्ष में कौन है, शायद कोई चोर होगा है। तो वो क्या कि वो गोप ने की झट उस कमरा में प्रवेश किया है, किंतु देखा उस समय कृष्ण ने क्या कि बोले ब्रजवासी के जो घर होते हैं ना, पहले ब्रजवासी के घर कैसे, घर की जानला कैसे, कोई खिड़की फिड़की नहीं रहता है, कोई ये नहीं रहता है, बिल्कुल खुला ही रहता है, केवल एक किवाड़ हो जाता है, बस ये खोल दो आप आराम से बाहर जा सकते। उस समय कृष्ण ने क्या कि भाई कूद गए। जब कूद गए तो गोप सोचने लगे तो चोर है, हमारे घर में घुस गया था। तो क्या कि कृष्ण उस गोप उस चोर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और वो भी दौड़ने लगे, ये कृष्ण दौड़ने लगे और उसके पीछे वो गोप दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कुछ जाने के बाद कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण ने क्या कि ठीक उस गोप के पत्नी के रूप धारण कर ली। कृष्ण तो कभी कुछ रूप धारण कर सकते या नहीं सकते है, ऐसे उनके पत्नी के रूप धारण कर लिया है। और धारण जब कर लिया कुछ दूर जाने के बाद गोप ने किसी प्रकार उसको पकड़ लिया। किसको? पत्नी को। पत्नी नहीं था तो कृष्ण था ना, कृष्ण वेशधारी उनके पत्नी को पकड़ लिया। तब कहने लगे वो गोप कहने लगे तू दौड़ करके क्यों भाग रही, विधि इधर क्यों आई। तो वो गोपी कहने लगी, माने कृष्ण वेशधारी वो गोपी कहने लगी, देखो जब से तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुई ना तुम हमारे साथ कोई परिहास किया, ना मेरे पास आई, ना कुछ किया, क्योंकि ये वही ब्रज की एक विशेष सिद्धांत है, जोग माया ने कभी जो है वो गोप और गोपियों के साथ मिलने नहीं दिया। हमारी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो टीका में स्पष्टीकरण लिखते हैं, न तू तल्पे, माने तल्प माने वह गोप के कभी जो है अपने पत्नी की बिस्तर तक बैठने भी सुजोग नहीं दिया है। अपने विवाहिता पत्नी के बिस्तर पर आप बैठ सकते नहीं बैठ सकते हो, बैठते हैं कि नहीं बैठते तखत पर, किंतु जोग मैंने कहा कि उन गोपियों उस गोप के जो है कभी अपने विवाहिता पत्नी के तखत पर भी बिस्तर पर भी बैठने भी ये नहीं दिया, इजाजत नहीं दिया, अनुमोदन नहीं किया है। क्यों? बोले जोग मैं क्या करती थी, वह गोप के जो उनके पति के जो है सदा समय काम में व्यस्त रखती थी है। सुबह 3 बजे उठे, गाय के गोबर आदि लेकर के चले, गाय को ये करो कर को जोत के हैं, फिर शाम करते करते कैसे दोपहर के समय हो गया, खा पी के फिर गाय की तरह जोग मैं इसी प्रकार लगे रखते थे है। केवल इतना ही उनकी मन की भावना है, मेरा विवाहिता पत्नी है बस, और कुछ नहीं। समझ में आया बकील साहब? ये गोप सदा सर्वदा इतने ही मन याद रखते हैं, मैं तो विवाह किया किंतु ये मेरा पत्नी है, जो पत्नी के साथ जो व्यवहार जो लौकिक व्यवहार ये जोग मैं कभी उन लोग के करने नहीं दिया है। तो आज जो है वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कृष्ण वेशधारी गोपी कह रही हैं। बोले देखो कृष्ण कह रही हैं, देखो जब से तुम्हारे साथ विवाह हुई ना तुम्हारे तुम हमारे पास कुछ बैठे, ना कुछ कहा, मेरे साथ कुछ बातचीत नहीं हुआ, खाने के समय आते आ रहे तो रोटी बना दी, तुम खा लिया चले गए, बस व्यस्त रहते हो। किंतु मैंने आज एक विचार किया कि आज तुम्हारे साथ कुछ हास परिहास कर लेता हूँ और वन में भी विहार कर लेता हूँ। तो गोप विचार करने के लिए अच्छी बात है भाई, भगवान की कथा तो इतनी मिठास है जैसे वो क्या बोले समुद्र मंथन में, मंथन के बाद जो जो
क्या बोले, अमृत कलश के लेकर के जैसे मोहिनी रूप धारण किया कृष्ण ने, मोहिनी रूप धारण, उसी प्रकार कृष्ण के इतने सुंदर मधुर वचन है देख सुन करके वह गोप तो मोहित हो गया। अब विचार करने बात तो सही है, हाँ हाँ, जब से तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुई मेरा समय भी नहीं है तुम्हारे साथ मिलने के लिए, ना तुम्हारे साथ हमारी कोई बातचीत हुआ ना कुछ है, चलो आज तो सुजोग हो गया चलो। तो उस समय क्या क्या की दोनों ही वन में विहार करने घूमने लगे। अच्छा, चलते चलते माने एक दो घंटे हो गया, फिर गोप बोले चलो अब घर में जाकर के विश्राम करें सो जाए। बोले अच्छा ठीक है, दोनों गोप आ गए। भाई देखो, गोप पहले अर्थात पति पहले घर में घुसा, और कृष्ण तो मोहिनी है ही, आप लोग जानते हैं वो दिन, और कृष्ण वहीं से ही वो अंतर्ध्यान हो गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल। और गोप जब आ गए अपने गृह में आए, गोप मैंने कहा वो बरामदा में सोए हुए थे और उनके पत्नी अंदर में ही है। गोप विचार करने लगे ये क्या है, हमारी पत्नी तो खर्राटा है, खर्राटा देते ना, अरे अरे अभी भी एक मिनट भी नहीं हुआ, इस कैसे खर्राटा ले रहे हैं, कैसे सो गए हैं, अभी तो हमारे साथ बिहार करके आ रहे हैं। अरे तू अभी सो रही हो, उनको जगाया, जोर जोर से चिल्लाया उनको मानो नाम लेकर के हैं। तो अब गोपी उठी, क्या आधी रात में इधर चिल्ला क्यों रहे हो। गोप तो हासिर में हाथ दिया, बोली ये क्या बात है, अरे तू तो हमारे साथ अभी वन विहार करके, वन विहार है, अरे हाँ हाँ, मैं तो सोचा था कोई घर में चोर घुस गया, इसलिए तू तो कूद करके जानला है ना, कूद करके तू चले गए, सारी कथा सुना दिया। गोपी कहने तू के पागल हो गया। गाय चराते चराते तेरा खबरी ऐसी हो गई। गोपी जब अथवा तू सपने में चले गए, गोपी इतना अपने पति को डांटने लगे, वो सुनकर तो हैरान हो गया, बोले अभी दो मिनट भी नहीं हुआ है, बोले कैसे चलेंगे है। तो गोप फिर चिंता करने लगे, हाँ हो सकता है, देखो फिर भगवान तो ईश्वर लीला कराते रहते ना मन में, जिसको मन में जो जैसे ही कराते वही तो करते हैं। गीता में भगवान भी कहते हैं एक जीवों के हृदय में, क्या श्लोक है वो, जंत्र रुड़ानी माया है, गीता की श्लोक क्या है, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं रहता हूँ, जंत्र रुड़ानी माया। जिस प्रकार जी जंत्र अपने काम नहीं करता है, उसके कोई ऑपरेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं परमात्मा के रूप में रहा करके सब जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहा करके ही उसके मैं सब कुछ कार्य मैं कराता हूँ। लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो भगवान कराते हैं। कैसे कराते हैं, जंत्र रुड़ानी माया है, जीव के लिए तो ही जंत्र रुड़ानी माया है, आ समझ में, हम नहीं करते, इसलिए कहते ना भगवान के इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की इच्छा मुझे पर है। और गीता में भगवान भी कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं सबके जीव सबकी प्राणियों के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ, और मैं ही जो है ये सब कार्य मेरे महामाया के द्वारा मैं सब कार्य कराता रहता हूँ। कहते हैं जंत्र रुड़ानी माया, गीता के श्लोक, ईश्वर सब भूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्व सर्वभूतानां जंत्र रुड़ानी माया, स्पष्टीकरण कर दिया, ये तो जीव के लिए है, ठीक उसी प्रकार भगवान इसी प्रकार करते हैं। तो उसी प्रकार आ जाइए, वो गोप सोचने लगे कि वास्तव सत्य है, शायद मैंने सपना ही चला गया था। देखो फिर उनके मन में क्या कर दिया,
माया ने माया के द्वारा ऐसे भ्रमित कर दिया, वो गोप सोच रहे हैं ये वास्तव रूप में जो है मैं सपनों में भी वन विहार करके आ रहा हूँ, बल वृंदावन बिहारी वा, ऐसे ऐसे लीला, अद्भुत लीला कृष्ण भी करते रहते हैं। क्योंकि भगवान यही इसकी कथा है, भगवान की लीला है, इसलिए कथा है लीला पुरुषोत्तम। लीला क्या है? जीवों की आनंद प्रदान देने के लिए, आनंद देने के लिए, आनंद आस्वादन करने के लिए, अपने निजजन के आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए तो कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्पर भवेत। अपराजित चित्त जगत में ना जाने कैसे कैसे लीलाएं चल रही है, है? एक लीला नहीं, ऐसे अनंत लीला चित्त जगत में चलते जा रहे हैं, है? एक लीला नहीं है, है? आप कहोगे महाराज एक कौन सा ग्रंथ में कहां पर लिखा है, तुम ढूंढो, है? हम जहां पर ढूंढा, हम जहां पर वो तो मेरे पास है, पास है। आप विश्वास करें तो अच्छा है, और नहीं विश्वास करते नहीं है, किंतु ये सत्य है। ये लीला आदि चलते जा रहे, अनंत लीला चलते जा रहे हैं। जैसे मैंने काल कहा था ना, देखो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं, है? भजामि राधां अरविंद नेत्रं स्मरामि राधां मधुर स्मितासं वदामि राधां करुणा वरद्र ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। देखो ये समस्त राधा गोविंद के नित्य जन है, मंजरी है, रति मंजरी ना। भजामि राधां अरविंद नेत्रं स्मरामि राधां मधुर स्मिताश्रम वदामि राधां करुणा भराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सिद्ध स्वरूप में संपूर्ण रूप में डूब गए, और किस प्रकार राधा जी की करुणा को प्रार्थना कर रही है। भजामी राधम अरविंद नेत्रम, मैं सदा सर्वदा श्रीमती राधे राधा जी के जो है नेत्र कमल के जो है मैं स्मरण करते रहूं, बा भजन करते रहूं। ये हो रहा है साधारण अर्थ है, भजामी राधां अरविंद नेत्रां स्मरामी राधां मधुर स्मिताश्रम, और सदा सर्वदा राधा जी की जो है मंद मुस्कान को जो है मैं चिंतन करते रहूं। भजामी राधां अरविंद नेत्रां स्मरामी राधां मधुर स्मिताश्रम वदामी राधां करुणा भराद्र, मैं सदा सर्वदा राधा जी के करुणा को जो है मैं स्मरण करते रहूं। इसके पीछे क्या है कि क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी मानो रति मंजरी क्यों ऐसे भावों के क्यों लिख रहे हैं? हमारे गोस्वामी ग्रंथ जो लिखते हैं ऐसे उलट पलट कर लिखने कोई काल्पनिक नहीं है, नो इमेजिनरी। दिव्य लीला उनके हृदय में स्फूर्ति होते रहते हैं, और वही दिव्य लीला के जो है ये लिखते जा रहे हैं। जैसे रघुनाथ ये क्या बोले, रूप गोस्वामी पाद टेर कदम पर बैठे हुए हैं और एक एक श्लोक लिखते जा रहे हैं, है? राधिका अष्टकम लिख रहे हैं, है? कितने सुंदर लिखते जा रहे हैं, एक एक भावों की चिंतन होते जा रहे हैं, स्फूर्ति होते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। विविध किस्म बंदे दम्बलधारी विगत मधुर्ण के बीजी प्रवृत्ति मधुर बिंब दिगिन्नतामूल राग स्फुरतमूल कपलम राधिका अर्चयामी, है? कितना श्लोक भाव। उसी प्रकार हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, समय हो गया आरती किस बजे पर हो, 10 मिनट बाकी है तो 10 मिनट में कथा समाप्त कर देता हूँ। देखो एक बार की कथा है, जावट में जटिला कुटिला के किसी प्रकार जो है गंध लग गया, ये आज रात में श्रीमती राधिका घर से निकल जाएगी, कहीं ना कहीं कृष्ण के साथ मिलेगी। ये उनकी केवल एक भावना चिंतन रहता है,
इसलिए जटिला कुटी लेने के कि पीछे के दरवाजा सामने के दरवाजा दोनों तरफ मानो दोनों ही बैठे रहे, आज राधा जी किसी प्रकार बाहर नहीं जाएगी है। समय अतिवाहित होते जा रहे हैं। कृष्ण राधा जी के तो इंगित कर दिया, क्या बोलते उसको है? संकेत, ये आज इस कुंज में तुम्हारे साथ मिलेंगे। किंतु राधा जी कैसे निकलेगी? आज रात होते चलते जा रहे हैं, कृष्ण तो बहुत चिंतित हो रहे हैं राधा जी क्यों नहीं आ रहे, और राधा जी उधर भी चिंतन रहे श्याम सुंदर के साथ कैसे मिले। देखो कितने सुंदर है। इस समय जोग मैंने ऐसे विचार कर राधा जी के सिर पर बहुत दर्द शुरू हो गया है, सिर में दर्द। तो उस समय रतिमंजरी राधा जी के सिर को क्या करें, दबा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मस्तक जो है वो मसाज कर रही है आसमें। देखो रतिमंजरी करें और जटिला कुटिला तो दोनों तरफ बैठी है। जोग में अभी कम भी नहीं है, जोग मैंने क्या कि जटिला के सिर पर ही फिर क्या कर दिया, सिर दर्द माने हेडेक हो गया। बस है राधा जी कह रही हैं, हे रतिमंजरी तुम मेरे सिर जो ये कर रहे हो, मैसाज कर रहे हो है, नहीं नहीं मेरे सास की जो है उसके मैसाज करो। देखो राधा जी की सेवा छोड़ करके जो राधा जी के प्राण प्रथम एक अनिष्ठा राधा जी का निष्ठा है, किंतु राधा जी के एक आदेश प्राप्त करके रतिमंजरी क्या कर रही है, किसके सेवा कर रही है, अपने सास जटिला के से है। अच्छा चलेगी वो है। और इधर दूसरी दरवाजा में कौन बैठी है, उसके ननद है कुटिला, जो कुट 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 करने वाले जटिला माने जटला पकने वाले वाले और कुट कुट करने वाले। अच्छा कुटिला तो वहीं पर बैठी थी दूसरी दरवाजा पर। भगवान भी कम नहीं है, जो मैंने किया कि बोले इतने उनकी आंख में नित आ गई माने साक्षात निद्रा देवी है, कुंभकर्ण के पास निद्रा देवी के माने कुंभकर्ण से कहने, कुंभकर्ण तू आज जग जा, आज तेरे जो है पत्नी को मानो ये कुटिला के आंख पर बैठा दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल है, रामायण कई कई रामायण में जो ऐसे कथा है ये वो कथा बोलने जाते बहुत लंबी हो जाएगा है। आज समझिए ये कुंभकर्ण जब सो, कुंभकर्ण क्यों सोते थे है, कुंभकर्ण करने बोले हम तो फिर पत्नी हो, पत्नी कहाँ जाएगी, मैं जो हम पति के साथ सोता सर बता रहे है। आज मानो जोग माया कहने लगी, हे कुंभकर्ण की पत्नी जो निद्रा देवी तू आज किसके पास जा, कुटिला के आंख पर बैठ जा। बस कुटिला तो सो गई बस वही दर्जा पर है, कराठी ले रही है। और इधर जटिला है उनके सिर में दर्द है, वो आंख बंद करके और बैठी हुई है बार में, और ये तो रतिमंजरी सेवा कर रही है। ठीक उसी समय देखो रूपमंजरी क्या की, रूपमंजरी राधा जी के लेकर के पीछे दरवाजा से बाहर गए है। कृष्ण के साथ अनेक प्रकार जो है लीला विलास हुई। लीला विलास होने के पश्चात फिर एक दो तीन चार घंटे जितने समय लीला विलास हो समय रहता है उसमें है। फिर जब राधा जी रतिमंजरी क्या बोले रूपमंजरी के साथ जब वही जावट के गृह में जब प्रवेश करें है, उसी को देख करके रघुनाथ दास जी से ये श्लोक लिख रहे हैं, जे भजामी राधंग अरविंद नेत्रम। सारी रात कृष्ण के साथ प्रेम विहार करने के करने पर राधा जी की आंख कैसे हो गया, अरविंद नेत्रा है, अरविंद माने कमल के
भांति दोनों, यदि रात में आप जो नहीं सोए, ये दोनों आंखों की दोनों तरफ क्या, दोनों नेत्र की दोनों परनार क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भजामी राधन अरविंद नेत्रम, ऐसे रहज के ऐसे सुंदर जो है नेत्र को मैं स्मरण करता रहता हूँ है आसन, अर्थात राहल की आंख और भी छोटा हो जाता है क्योंकि सारा रात जगे हुई है, कृष्ण के साथ प्रेम विहार किया है, इसलिए निद्रा भी आ रही है, राधा जी की नींद भी आ रही है और दोनों आंखों के कर्नर है और लाल लाल आभा युक्त होने के नाते हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक लिख रहे हैं, भजामी राधन और अरविंद नेत्रम, राहल के ऐसे सुंदर कमल के सदृश आंखों को मैं भजन करता हूँ। इसलिए कहते हैं भजामी राधन और अरविंद नेत्रम, स्मरामी राधन मधुर स्मितस्यम, और फिर कृष्ण के साथ मिलन हेतु अभी तक स्मरण होने के नाते राधा जी मंद मुस्कान करते हुए प्रवेश कर रही है, जो कहीं मंद मुस्कान करते ना हंसता है, उनके होठों में वो रेखा दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप हंस रहे हो, अभी आप नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वकील साहब आप देख रहे कि नहीं देख रहे आप, चश्मा एक दर्पण ले लो, देखो आप कैसे हंस रहे हो। उसी प्रकार मंद मुस्कान करते हुए श्रीमती राधिका अर्थात कृष्ण के साथ प्रेम जनित एंड वो समस्त स्मरण होने के नाते जो बिहार आदि की उसके मंद मुस्कान करते, इसलिए भजामी राधंग अरविंद नेत्रम, स्मरामी राधंग मधुर स्मिताश्रम, बदामी राधंग करुणा भरद्र। अहो राधा जी जब उस जावट कक्ष में प्रवेश करे, राधा जी के करुणा के उद्रेक हो गया, करुणा माने उनके हृदय में इतना जो सुहानुभूति है, सिंपैथी, करुणा माने सिंपैथी, क्यों, राधा जी सोच रही है देखो ये हमारे प्रिय जो है मंजरी सखी रति रति मंजरी है, राधा जी के पास दो मंजरी सदा सर्वदा रहती है, अनेकों मंजरी के नाम तो है किंतु ग्रंथकार में लिखा गया ये एक रति मंजरी और एक रूप मंजरी के नाम विशेष रूप में आता है। जब जब राधा जी कहीं पर जाते हैं ये दोनों मंजरी रहते हैं, किंतु रुचि मंजरी तो गई, क्या बोले रूप मंजरी तो राधा जी के साथ गई, और रुचि मंजरी क्या कर रही है, किसको सेवा कर रही है, जो जिला को, जो विरोधी है, जो सदा सर्वदा निंदुक है, जो सदा सर्वदा ब्लेस्फेम करने वाले हैं, देखो इसको देख करके राधा के हृदय क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया और उसमें करुणा के उद्रेक दिखा रहे हैं। ये भजामी राधंग अरविंद नेत्रम, स्मरामी राधंग मधुर स्मितास्यम, बदामी राधंग करुणा भरद्र, ततो मम नस्ति गतिर न कापी। बोले रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ये तीनों छोड़ करके और मेरे जीवन में और कुछ इच्छा नहीं है, सदा सर्वदा राधा जी के ऐसे कमल नेत्र का हम दर्शन करते रहें, राधा जी की जो है मंद मुस्कान युक्त जो है होठों के दर्शन करते रहें और राधा जी सदा सर्वदा उसी प्रकार मेरे प्रति करुणा के उद्रेक प्रकाश करें, करुणा करते रहें। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया दस। बल वृंदावन बिहारी लाल, बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गो। थोड़ा एक बहुत दिन हो गया यहाँ पर ब्रज की कीर्तन नहीं भी नहीं करते, एक ब्रज की कीर्तन सुना दो तब तक वो आरती कोई करने वाले है, हाँ हाँ रामानंद के दे दो, दो मिनट रुक जाओ, रामानंद बहुत दिन हो गया कोई ब्रज की कीर्तन समाप्त करते हुए समय हो गया, हाँ हाँ राधा
महाराज जय भगवान जीवन महाराज जय नाई बहुत प्रेमानंद।